ब्लॉक इतनी सीट यानी 200 से सवा 200 सीट के बीच में अगर लाती है तो ये मान के चलना कि उसकी प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ी सफलता, इतने बड़े चेहरे के सामने बड़ी सफलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी यानी एनडीए स्पष्ट रूप से सरकार बनाने की ओर दिखेगा। लेकिन एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी को है कि जहां राम मंदिर कॉन्सिक्रेशन हुआ उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट की मैं बात करूंगा, और वहां पर यह माना जा रहा था कि गवर्नेंस यानी कि योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस पर लोगों को भरोसा, वहां पर इंडिया ब्लॉक यानी कि दो लड़के, चाहे तो अखिलेश की बात करें या राहुल की बात करें, क्या इनकी जोड़ी, देखिए एक ही ऐसा मजबूत स्टेट था जहां पर इंडिया ब्लॉक की दो पार्टी, हालांकि देखिए एसपी बड़ी रीजनल पार्टी यूपी की, वो एक साथ चुनाव लड़े, जबकि आप देखते हैं टीएमसी नहीं लड़ी, चाहे आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं लड़ी, ऐसी दूसरी जगहों पे भी नहीं लड़ी, लेकिन यहाँ पर लड़ी। इन दो लड़कों का बहुत मजाक भी उड़ा था, मजाक उड़ाया भी गया था, लेकिन लड़कों ने साथ निभाया यहाँ पर दोस्तों ने, और लग रहा है कि वो रास आया है। हाँ, ये पता नहीं, मतलब भाजपा निश्चित तौर पर इस पर विचार करेगी कि श्री राम के आशीर्वाद में कमी क्यों रह गई। जाहिरा तौर पर ये जो अभी रुझान हम आपको बता रहे हैं, ये परिणामों में आगे तब्दील होंगे, तब भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अमित श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित श्रीवास्तव, क्विक रिएक्शन आपका, लगातार तेजी से बदलती परिस्थितियां। जी लगातार, देखिए मैंने आपके माध्यम से एक ही चीज ललित जी हम कहना चाहते हैं कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है हमें, और लगातार जिस प्रकार से ये बात कर रहे थे, जनता ने सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि 400 पार हम जाएंगे, कई इनको एग्जिट पोल 410 से ज्यादा दे रहे थे। मुझे लगता है ये सब अब बैन होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से 22 से ज्यादा एग्जिट पोल लाया गया था और जिस प्रकार से लगातार ये बताने का प्रयास किया गया था कि 410 लाएगा, सबसे अहम बात ललित जी कि इतने सारे एग्जिट पोल आ जाते हैं, जनता विश्वास किस पे करे, कौन सा सही है, क्या 543 सारे सीटों पे लोग जाते हैं, क्या उनका सैंपल रहता है, ये सारे चीजों को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पे विचार करने की बात आपकी सही है। चुनाव के पूर्व ये वैसा है, आपने एक बैन शब्द का जिक्र किया, आपकी मोहब्बत मोहब्बत और हमारी मोहब्बत वाजीवा, कई जगह आप भी जीतते हुए बताए जाते हैं, तब आप मुस्कुराते हैं। हाँ चलिए क्विक रिएक्शन दीजिए, फिर मिलन जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बहुत शॉर्ट प्लीज। मतलब मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो लोग आज बता रहे थे 410 और अगली बार वो फिर आ जाएंगे यही बताने के लिए कि ये हमारा एग्जिट पोल है। तो आप अगर आप लगातार हम इतने बार से देख रहे हैं, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में पिछले बार कहे थे कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नहीं आई थी, मतलब अब जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। क्या देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पता मैंने लास्ट देखा। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं, 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसीसी कार्यालय। सर यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल गया। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और अगर कमलनाथ ये कहे, अगर कमलनाथ ये कहे कि जो है सो है, तो उसको डिकोड करने के लिए भी राजनीति के जानकारों के पास जाना पड़ेगा। कमलनाथ का ये बयान हमने आपको सुनवाया, इसे लेकर जो दोनों हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके पास हम जाएंगे। लेकिन मिलन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक रिएक्शन हो जाए फिर हम जाएंगे इसको लेकर। जिस पतन की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, उनकी कार्यकारिणी, उनके कार्यकर्ताओं का टोटा है, तो आज वो अन्य एजेंसी पे आरोप लगाकर पूछ रहे हैं कि आप बहुत हंसाते हो यार, आप कैसे कार्यकर्ता पूरे आप ले जाओ, फिर कहो उनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है, वो बेचारे नेता बना है, आप विधायक उठा ले जाओ। ललित जी उठाने और ले जाने वाली बात नहीं, देखिए जिस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उस विचार के साथ बहुत प्रखरता और प्रबलता है, और जिस प्रखरता के कारण लोग जुड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाकई करती दिखाई दे रही है। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र पहले, अपने राष्ट्र के प्रति जिस सजगता के साथ, जिस दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है, प्रगति कर रही है,
और भारत जो मजबूती से आया तो लोग आना चाह रहे हैं हमारे साथ। अब इनको प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शर्मा के साथ संजय तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संजय, ओवर टू यू। खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं वीडी शर्मा, और रिकॉर्ड की बात उन्होंने कही थी पिछले बार भी, वो मेरा ख्याल है तकरीबन तीन चार लाख की लीड थी, लेकिन इस बार उस लीड को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती। और अब चूंकि सामने मैदान में कोई है नहीं तो ये माना जा रहा है कि जो बड़ी लीड नजर आने वाली है वो इंदौर से नजर आएगी और एक खजुराहो सीट से लीड नजर आएगी। ये लीड सीधे सीधे वोटिंग परसेंटेज पर भी नजर डालेगी। आम आदमी के लिए ठीक है कि ये सीट जीत गए वो सीट हार गए, पर जब आप राजनीति